तो गाइस फाइनली हमारा सीक्रेट रूम रेडी हो चुका है, जो कुछ ऐसा लग रहा है। देखो भाई अभी हमने बंद कर दिया है, डोर को बंद कर दिया है, उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है। देखो कितना सारा सामान हमने रख दिया है। ही गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं अपने घर में एक सीक्रेट रूम। ये आइडिया कुणाल ने दिया मुझे कि घर के अंदर ना एक सीक्रेट रूम बनाते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो मैंने कहा यार मस्त आइडिया है, कोई जगह ढूंढते हैं सीक्रेट सी जगह और वहाँ पे बनाते हैं एक सीक्रेट रूम अपना। वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें रखेंगे और अच्छा बनेगा तो उसमें 24 आवर्स रहेंगे भी। ये आपने भी किया होगा इस बचपन में, सब ने किया होगा, एक सीक्रेट हम जगह बनाते हैं अपनी खुद की और वहाँ पे हम रहते हैं, बचपन में सभी करते हैं। हेलो मैं एक आइडिया दूँ, इसके ये कपड़े को हटा के ये जो इसके पीछे है ना, इसके पीछे कैसे, देखो क्या करना है, ये जो इसका पीछे का सबसे लास्ट हिस्सा है ना, इसको काट के उसके पीछे जो दीवार आ रही है इसको भी काट के उसके अंदर को बन जाएगा सब कुछ। बट दीवार के उधर तो किचन है, दीवार के उधर तो किचन है। किचन है? अच्छा तो लंबी दीवार चाहिए बहुत, इसलिए काट दो। दीवार काटेंगे? नहीं कुणाली ऐसे नहीं करना, हमको जगह ढूंढनी है बस। ढूंढनी है हमको, दीवार नहीं काटनी, हमको बस जगह ढूंढनी है पहले। तो इसको आपका वाला सीक्रेट रूम, इसके अंदर कहीं भी बना दो, यहां पर कहीं पर। कुणाली ये तो सबको पता है ना, बट है? ये रूम सबको पता है। कुणाली आप तो छोटे हो, आप तो कहीं भी आ जाओगे, आप तो इसके नीचे भी बना के रह सकते हो। अपने दोनों को रहना है ना वहाँ पे, बाथरूम के बीच बना दो। बाथरूम में नहीं है यार, बाथरूम में लोग जाते रहते हैं। शीशे को एक आइडिया दूं, शीशे को काटो, वो ट्रांसपेरेंट कुछ बना दो जिससे कि हम अपना ऐसा ऐसा मुंह देख सके, उसके बीच बना दो। कुणाली काटना नहीं है किसी चीज को, क्या करो फिर, काटना ही पड़ता है कुछ भी। कबड़ी के अंदर बना दो। चलो कुणाली आप तो आ जाओगे, मैं नहीं आ पाऊंगा ना, आराम से बोलना, सभी सो रखे हैं। हां सो रखे हैं। चलो चलो थोड़ी यहां पे बना दे, नहीं एक मंदिर है तो हम लोग लगे यहां पे कुछ है। मंदिर है यार, फ्रिज के अंदर बना दो कुछ भी, फ्रिज में रहेगा। फ्रिज पूरा दिन खोलते हैं सब पानी पीने के लिए, किचन में मम्मी आती रहती है। किचन में नहीं, किचन में तो पॉसिबल ही नहीं है। कुणाली आप सुनो, आप तो फिट आ जाओगे, मैं फिट नहीं आऊंगा ना, दोनों फिट आने चाहिए। यहाँ भी सभी आते हैं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। चुप नहीं पा रहा। क्या कर रहे हो आप, सीक्रेट रूम ढूंढना है भाई, कपड़े क्यों गंदे कर रहे हो अपने। अरे यार कुणाली यहाँ तो आप आ सकते हो, मैं नहीं आ सकता ना। तो गाइस इस वाले घर को तो पूरा छान लिया, यहाँ पे तो कोई सीक्रेट एरिया नहीं मिल रहा, सारे घूमते रहते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं सामने वाले घर में, वहाँ कुछ मिल सकता है। सामने वाले घर में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है भाई। ये क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या चैलेंज है। कुणाली सीक्रेट रूम बनाना है, आपको पता है सीक्रेट रूम। सर तो आपकी टेंशन है, मैं तो अपनी गाड़ी के नीचे भी जा सकता हूँ, जाके दिखाऊं। ये हाइड एंड सीक थोड़ी ना खेलना है, क्या कर रहे हो ये। ये तो मेरा सीक्रेट रूम है ना, छोटा सीक्रेट रूम। हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे, छुपने वाला गेम नहीं खेल रहे हम। हाई मेरा हाथ थक गया। सर थार के अंदर बनाए सीक्रेट रूम, थार के अंदर नहीं यार, गाड़ी के अंदर तो गर्मी लगेगी बहुत। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने नए घर में। यहाँ क्या है, यहाँ है। इसके अंदर निकल ले। अरे हाँ ये मस्त है यार, बस सामान हटाना है यार। भाई ये एरिया सही है, ये एरिया मस्त लग रहा है, काफी बड़ा भी एरिया। देखो चलो ऊपर, अब ऊपर चलते हैं। एक बार सर तो मैं ना इधर भी आ सकता हूँ, बस आपकी टेंशन है। मेरी तो टेंशन है, आ जाओ। मिल गया ये, इसके अंदर देखते क्या है, इसके अंदर क्या है भाई। ओ भाई ये तो डरावना लग रहा है, यहाँ सामान पड़ा हुआ है बहुत सारा। अरे पतंग भी पड़ी हुई है यहाँ तो। कुणाली इसको बना सकते हैं सीक्रेट रूम, यार ये नहीं बन पाएगा। बट यहाँ कोई आता थोड़ी ना है, ये बड़ा रूम है ना, यहाँ पे हम बहुत कुछ रख सकते हैं। ये देखो ये गद्दा भी यहीं पड़ा है, गद्दा यहीं भी चालेंगे। ये देखो यहाँ पे सब कुछ रखा है, टेडी बेयर सजावट के लिए ऐसे रख देंगे। यहीं बनाए, यहीं बनाते, ये सही है। तो एक काम करते हैं कुणाली, पहले सारा सामान निकालते हैं यहाँ से, इसकी साफ सफाई करते हैं, फिर कुछ सजाते हैं। झाड़ू लेके आऊं, झाड़ू पहले सामान तो निकालें। अच्छा पहले सामान निकालते हैं सर। लो ओए लो, ये तो आपके बैठने काम आएगा। अब धूल लकड़ है। अरे यहाँ तो पंखा भी है, पंखा भी है, चलता है, चलता है, पंखा चल गया। अरे चल गया, बेस्ट हो गया। तो धूल आ रही है, डायपर आपके लिए पहनने के लिए। पतंग चाहिए, टूटी है, पतंग नहीं चाहिए। गाइस यहाँ पे एक अटैची मिली है, पता नहीं किसकी है ये, बहुत पुरानी है बहुत ज्यादा, खोल के देखते हैं। इसमें तो कपड़े पड़े हैं, अरे कोट पेंट पड़ा है इसमें तो।
किसी की शादी का कोट पेंट होगा भाई, ये कितने पुराने होंगे ना, 25-30 साल पुराने, और जिन्होंने ये लिए होंगे उन्होंने कितने शौक से लिए होंगे ना, और अब देखो ऐसे पड़े हुए यहाँ पे। तो हम भी अपने कपड़े या फिर अपनी कीमती चीज़ें जब लेते हैं तो हमको इतना शौक होता है, और फिर 25-30 साल के बाद ऐसे पड़े रहते हैं वो सब चीज़ें, फिर कोई वैल्यू नहीं होती उन चीज़ों की, फिर हम भूल भी जाते हैं। तो ये है लाइफ की रियलिटी, मतलब एक टाइम पे जो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ सालों के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज आने वाली जनरेशन, आने वाले लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं, उनको पता ही नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। लोग भी चले जाते हैं, चीज़ें भी चले जाती हैं, सब चले जाता है। तो मैटर करता है कि आप चीज़ प्रेजेंट में जैसे हो खुश रहो, आपके पास जो है खुश रहो, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो, बिकॉज कुछ सालों बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं। चाहे आपके पास कितनी महंगी गाड़ी हो, कितने महंगे कपड़े हो, कितना महंगा घर हो, कुछ भी, जैसे मैं आज यहाँ ब्लॉग बना रहा हूँ ना, कुछ सालों के बाद यहाँ पता नहीं कौन होगा, कौन रह रहा होगा, तब वो हमारी चीज़ों की वैल्यू नहीं करेगा, उसको लगेगा कि क्या है ये। इसीलिए आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करो और खुश रहो बस। गिर जाओगे नीचे, गिरोगे सीधा यहाँ से, गिर जाओगे सीधा नीचे, गिरोगे यहाँ से, उल्टे काम मत करो। टाइगर उठाओ, करो जल्दी, इधर हो, इधर कितना बड़ा रूम है, पूरा वहां से लेके पूरा यहाँ तक बड़ा रूम है। तो कुनाली से सारा सामान मैंने यहाँ रखवा दिया, देखो सारा सामान। गाइज एक और फायदा इसका, कुनाली की फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है। यूजुअली वो फोन और टीवी में लगा रहता है ना, बट यहाँ पे वो काम कर रहा है, चीजें उठा रहा है, उसको पसीना आ रहा है। क्या मिला? सिक्का, एक रुपए का। क्या करोगे एक रुपए का? गुल्ले को रखूंगे ना। तो गाइस पहले हमने इसको खाली कर दिया, हम इसको बनाएंगे अपना सीक्रेट रूम। देखो काफी बड़ा रूम है ना। भाई मुझे आज पता चला हमारे पास इतना बढ़िया स्पेस होता है और हम इसको यूज ही नहीं करते, हम उसमें कबाड़ रखते हैं, जो फालतू का सामान होता है वो रखते हैं। जो सामान यहाँ पड़ा हुआ था कोई काम का तो था नहीं, तो निकालो, देखो कितना बड़ा स्पेस मिला हमको। अब इसको हम अच्छे से रूम बना सकते हैं। देखो पोछा भी ले आया मैं, चलो पोछा मैं लगाऊंगा, झाड़ू आपने लगाया, पोछा मैं लगाऊंगा। आता है लगाना? चप्पल डाल के पोछा लगा रहा है, वाह कुनाली वाह। तो भाई साफ सफाई हो चुकी है, अब चलते हैं अपने सीक्रेट रूम को सजाने के लिए, चीजें लेने के लिए। सर आप ले यार सजाने वाला सामान, मैंने बहुत मेहनत कर ली यार, मेरे को रेस्ट भी करना है। क्या करना है? रेस्ट। कुनाली रेस्ट नहीं करना चाहिए। टीवी चला, टीवी देखना है क्या? नहीं। टीवी देखना है? नहीं। फोन देखना है? हैं? चलो कोई नहीं, मैं ही ले आता हूँ सामान सारा सजाने वाला। तो गाइस अभी आ गए हैं लंच के लिए, घर पे मम्मी ने बुलाया था, बट भाई किसी को नहीं पता कि हम सीक्रेट रूम बना रहे हैं। जल्दी से खाना खाते हैं और चलते हैं वहाँ पे। हमने सारा सामान निकाल दिया, झाड़ू कर दिया, पोछा कर दिया, सब कर दिया, साफ क्लीन कर दिया। तो आज खाने बनाया दाल और चावल और हरी सब्जी। गाइस खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था कि ये देखो, मतलब पता भी नहीं चल रहा होगा इसमें मैंने खाना खाया। देखो इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, पता भी नहीं चलेगा, धोने की जरूरत भी नहीं है, ये देखो। तो गाइस हम अपने सीक्रेट रूम में लगाने वाले हैं ये वाली टेबल और ये हैंगर कपड़े टांगने वाला छोटा सा। ये मेरे पास में है मेरी पेंटिंग जो कि आप लोगों ने बनाई है, मेरे सब्सक्राइबर ने बनाई है। ये वाली भी, 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 ये सारी। तो ये हम लगाने वाले हैं वहाँ पे। और ये देखो भाई इसमें तो हम तीनों भाई हैं। तो ये कुछ पेंटिंग्स जो कि हम लगाने वाले हैं सीक्रेट रूम में, और प्ले बटन भी लगाएंगे वहाँ पे। और गाइज ये पता है क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डियर सौरभ एंड पीयूष, लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड गुड लक, मे यू गाइज बिकम बिगेस्ट व्लॉगर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड सून। गाइज ये मुझे लिख के दिया था फ्लाइंग बिस्ट सर ने, जब आई थिंक मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं थे और वो हमारे घर पे आए थे हरियाणा में। तो मुझे जो फीलिंग आई थी ना, बिकॉज मेरे इंस्पिरेशन है वो, काफ़ी कुछ सीखा था उनसे ब्लॉगिंग के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, और वो खुद हमारे घर पे आए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने ये लिख के दिया कि तुम बिगेस्ट व्लॉगर बनोगे, तो एक अलग ही फील आया था यार। तो मैंने इसको फ्रेम करा लिया था और अभी भी इतना अच्छा है इसको देख के, इतना अच्छा लगता है ना। उस टाइम तो 2 मिलियन भी नहीं थे और आज 26 मिलियन हो चुके हमारे। तो इसकी जो वैल्यू है ना गाइस मेरी लाइफ में, वो मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता यार। वो मैं, मेरे को ही पता है वो किसको देख के जो फील आता है जब उन्होंने लिख के दिया था मुझे। और मैंने बोला नहीं था कि मुझे ये लिख के दो, मैंने बोला था सिग्नेचर दे दो अपने, बस मुझे बस ऑटोग्राफ चाहिए थे उनके, बट उन्होंने लिख के दिया था ये। तो उनका आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, इतना सपोर्ट मिला। आपको भी कुछ लगाना है अपनी चीज? क्या? PS5। भाई कुनाली को देखो कैसे लेके जा रहे हैं, गिराना मत। कुनाली आप फ्रेम ले आओ, मैं इसको मैं ले जाता हूँ। गाइस ये तो बहुत ही हल्का है, ये देखो क्या हवा चल रही है आज भाई, देखो। तो गाइस मैं तो प्ले बटन भी लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, सीक्रेट रूम में रखेंगे, देखते हैं कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे तो फिर यहीं पर रख देंगे वापसी। तो यहाँ पे लेटने के लिए एक चारपाई भी मंगा ली है, तो इसके अंदर एक चारपाई लगा लेते हैं और साथ में फिर टेबल लगा लेंगे एडिटिंग वगैरह करने के लिए। कहीं चारपाई है भाई ये? इसको। ये उठ गई, बीच में से उठी पड़ी है। तो और नीचे करो, नीचे करो। हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बिजनेस क्लास की सीट कैसी होती है? तो इसको ऐसे रखें, ठीक ना करें इसको? नहीं। तो गाइस चारपाई तो लगा दी है, अब लगाते हैं फ्रेम। तो मेरे पास में हथौड़ा है, साथ में कील भी है, तो कील ठोकते हैं और सारे फ्रेम लगाते हैं। गाइस ये वाली पेंटिंग देखो, ये बनाई है दाल चावल से।
तो गाइज यहाँ पे इतने सारे फ्रेम लगा दिए हैं जो कि आप लोगों ने बनाए थे मेरे। तो गाइज अब लगाते हैं वॉच, बट मेरे पास कोई नॉर्मल वॉच नहीं है, ये देखो मर्सिडीज की वॉच है, मर्सिडीज की, तो दिखाता हूँ अनबॉक्स करके कैसी है। ये देखो भाई, इस पे लोगो भी है मर्सिडीज का, और क्या मस्त लग रही है। गाइज अभी पंखे पे लगा कुछ, ये देखो पंखा मुड़ चुका है हमारा, पंखे का हाल देखो भाई, पंखा ये लगा गाइज, ये हमने ये ऊपर रखा था यहाँ पे, तो ये गिरा एकदम से पंखे पंखे के ऊपर, पंखा रुक गया एकदम से। तो गाइज अब बिछाते हैं बेडशीट व्हाइट कलर की, क्योंकि पूरा व्हाइट व्हाइट है, तो व्हाइट व्हाइट में व्हाइट बेडशीट ही अच्छी लगेगी। तो गाइज अभी मैं ले आया हूं व्हाइट पिलो। तो गाइज फाइनली हमारा सीक्रेट रूम रेडी हो चुका है, जो कुछ ऐसा लग रहा है देखो भाई, अभी हमने बंद कर दिया है डोर को, बंद कर दिया है, उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है देखो, कितना सारा सामान हमने रख दिया है। पहले यहाँ पे पूरा कबाड़ वाला सामान पड़ा था जो हमारे यूज का सामान नहीं था, बट अब देखो जाके कितना मस्त लग रहा है भाई, ये देखो। तो चलो अब आपको देते हैं सीक्रेट रूम टूर, हमने यहाँ पे क्या चीज़ें रखी हैं अपनी, तो चलो। और कुनाली और मेरे को पता है इसके बारे में, किसी को पता ही नहीं, हम बहुत सीक्रेटली सारी चीज़ें ला रहे थे, बहुत सीक्रेटली सारी चीज़ें छुपा छुपा के रख रहे थे सारी। तो यहाँ से इसकी एंट्री, तो डोर को कर देते हैं बंद, तो इस तरह से बंद हो जाता है डोर। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में हमने रखी ओम वाली पेंटिंग, ये देखो ये पेंटिंग है, हमको आती दिखेंगी फ्रेम्स। और सामने यहाँ पे देखो इतने सारे फ्रेम्स हैं जो कि आप लोगों ने बनाए हैं। और यहाँ पे है एक टेबल जिसके ऊपर मैंने लैपटॉप रख दिया एडिटिंग वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे बेड लगाया हमने, एक चारपाई लगाई है, यहाँ पे डस्टबिन भी रखा है, और एक बैग भी रखा है जिसमें मेरा सामान है। और यहाँ पे रखे हैं हमने सारे प्ले बटन, ये डायमंड वाला, गोल्डन, सिल्वर, और ये 20 मिलियन वाला हमको जो मिला था। इससे ऊपर यहाँ पे हमने मॉन्स्टर ट्रक, यहाँ मोरपंख, यहाँ पे गिटार, यहाँ पे गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, यहाँ पे कुछ लैंप रखे हैं, और ये बुक रखी है, और ये पानी की बोतल जिसमें पानी पीता हूँ मैं। अब आपको दिखाते हैं जादू, कितना प्यारा लग रहा है अंधेरे में ये, तो लाइट्स ऑफ करते हैं। अंधेरे में ऊपर देखो कितना मस्त लग रहा है, अब देखो स्टार से देखो कितना मस्त लग रहा है। फाइनली हमने एक बेकार से रूम को इतना मस्त बना दिया, देखो कुनाली और मैंने, और किसी को पता नहीं है, तो अभी सबका रिएक्शन लेंगे, देखेंगे, सबको बुलाएंगे। सबसे पहले बड़ी मम्मी को बुलाते हैं। तो गाइस हमारा सीक्रेट रूम पहले कैसा था और अब कैसा, देखो गाइस इतना मस्त, कैसा लगा आपको बताओ? बहुत मस्त लगा, बट आइडिया अच्छा था आपका। अब देखो यहाँ हम रह भी सकते हैं कुनाली, यहाँ हमारे बेड भी है, हम काम भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। सोता पर एक रिस्क है पंखे का। क्या पंखा नीचे आ गया तो नहीं गिरेगा यार? तो गाइस मम्मी जी खुद ही आ गई यहाँ पे ना, खुद वाली बात नहीं है, मैं कितनी देर से वहाँ देखी हूँ कि तू कहाँ है, कहाँ है, क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने तो सोचा तुम गाड़ी लेके गए हो कहीं, मेरे को क्या पता, मैंने सोचा कहीं गए हो। आप तो सोए हुए थे पूरा दिन? पूरा दिन सोई थी मैं। चलो आपको दिखाते हैं कुछ चीज हमने बनाई है आज। क्या बनाई है आज हमने? सुनो, आज हमने घर के अंदर सीक्रेट रूम बनाया है। सीक्रेट रूम कहाँ है? सीक्रेट रूम बनाया हमने, खुद बनाया है। अच्छा कहाँ बनाया है? दिखाता हूँ, चलो चल अपने कमरे में। नहीं, जो नहीं, पहले वाला कमरा नहीं, 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 नहीं। आओ बनाली। फिर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारा सामान, किसको दे रहे हो? सामान पड़ा था इसके अंदर। चार भाई भी होल्डिंग भी लगे, यही रहोगे, यही रहोगे आज। वाह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। आज ये कब लगाई तुमने इतने? आज पूरा दिन यही कर रहे थे। ये सोने के लिए भी हो रहा है ये दो जनों का। पंखा, यहाँ पंखा तो था ही नहीं। पंखा था यहाँ, था पंखा, पर मैं एक बार तो क्या होता, ये जो है ना हमने इसको ऊपर रखा था, ये सीधा नीचे गिरा, पंखा डाल। चल चलते पंखे पे लगाओ, ये तो एक रूम जैसा हो गया है, रूम जैसा हो गया है, रूम ही है ये, सीक्रेट रूम है ये हमारा। तो गाइस कुनाली के लिए एक लाइक कर देना, और इस वीडियो पे टारगेट है 4 लाख लाइक का। अगर 4 लाख लाइक हो गए तो हम करेंगे 24 आवर्स इन सीक्रेट रूम। तो गाइस अब चाचा जी को चैलेंज देते हैं, इनको ढूंढना है वो सीक्रेट रूम। चाचा जी मैंने सीक्रेट रूम बनाया है घर के अंदर, तो आपको ढूंढना है कहाँ पे है। बहुत ही, वैसे ही ज़्यादा मुश्किल जगह नहीं है, तो ढूंढो। आई थिंक चाचा जी को पता चल चुका है। सीक्रेट रूम है, रूम है पूरा, रूम है, सीक्रेट रूम है पूरा, चल चुका है पता। मस्त है तुम्हारे सारी गाड़ियाँ पूरे। तो भैया इस आ गए डिनर के लिए दूसरे वाले घर में, जो भी हो कुनाली को बहुत मजा आया बनाने में सीक्रेट रूम, इसने जो मेहनत करी है ना आज भाई। तो गाइज अब फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड इस वीडियो पे 4 लाख लाइक हम लिविंग 24 आवर्स करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।